मुख्यमंच पर आग लगने के बाद बार्सिलोना में टोमोरोलैंड यूनाइट त्योहार से लगभग 22,000 लोगों को निकाला गया था। स्पेनिश अखबार के मुताबिक चोटों की कोई सूचना नहीं मिली थी। टोमोरोलैंड यूनाइट त्योहार शनिवार शाम को कैंपजाम पार्क के सेंटा कोलोमा द ग्रामीण में हो रहा था, तब मंच के बाएं हाथ की ओर की जगह से आग की लपटें उठने लगी। वीडियो जो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं उसमें दिखाते हैं कि सेकंड के एक भाग में मुख्य स्टेज के बाईं तरफ की स्पीकर सिस्टम को आग ने घेर लिया था। एक साक्षी ने सोशल मीडिया पर बताया कि मंच बस विस्फोट हो गया। एक अन्य साक्षी ने दावा किया कि आग आतिशबाजी प्रदर्शन के दौरान जाहिरा तौर पर शुरू हुई, हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। आग के समय त्योहार बेल्जियम में मुख्य त्योहार के साथ जीवंत प्रसारण में था, जहां आर्मिन वान बुगुरेन प्रदर्शन कर रहे थे। बार्सिलोना में त्योहार स्थानीय समय के मुताबिक 10:15 बजे रोक दिया गया था। फेसबुक पर एक बयान में टोमोरोलैंड के आयोजकों ने कहा, आज रात यानी जुलाई 30, 2017 यूनाइट बार्सिलोना के चरण में तकनीकी खराबी के कारण आग लग गई। अधिकारियों को धन्यवाद जिन्होंने 22,000 दर्शकों को बिना किसी चोट के सुरक्षित बाहर निकाल लिया।